तो कर दूंगा. नहीं नहीं बाद में बताऊंगा पहले. हाँ of course it's like a dream team. Deepak sir, Ifan sir, Kareena ma'am, Dimple ma'am, जो भी हैं मतलब the whole team, it is like a dream. And बहुत मज़ा आया. सभी अपने अंदर ही एक स्कूल है एक्टिंग का, इंस्टीट्यूशन है. एंड इन लोगों को बस देख कर इतना सीखने को मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ. सो आई थिंक मेरी एक्टिंग वर्कशॉप रोज़ होती थी वहाँ पर, तो मैं बस इनको देखती रहती थी और सीखती रहती थी. नहीं 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 जैसे मुझे इंस्टीट्यूट बोल रही, मैंने कहा इंस्टीट्यूट तो मैं गया ही नहीं. तो मुझे वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है. बस ये है कि इंस्पिरेशन जहाँ से मिलती है और है ना कि इंस्पिरेशन लेना और देना है, ये वाला सीन है. लेकिन वही है कि आपको एज एन एक्टर आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आप ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहो. ये एक सीन है, ये एक ज़रूरत है ना आपको, कि आपको ज़िंदगी भर के लिए मानना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हो. चाहे आप मास्टर का रोल भी कर रहे हो किसी का, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट. तो वो चीज़ है, वो यहाँ पे रहती है. और जो मेरे सीनियर्स हैं इरफान भाई वगैरह, तो वो हमेशा सीनियर ही रहेंगे, तो उनसे हमेशा सीखा ही जाएगा. तो वो चीज़ें भी हैं और मज़ेदार एक्सपीरियंस था, शेयरिंग थी. कि जब आप खेलते हो, क्योंकि इरफान भाई के साथ क्या है कि खेलने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है दोनों के दोनों को, सबके जितने भी एक्टर हैं, कुछ ना कुछ आ जाओ जाओ अच्छा तुम ये खेल रहे हो तुम, तो वो एक साथ 15 खेल खेल रहे हैं. कभी एक हाथ में पतंग है, एक हाथ में फुटबॉल है, एक हाथ में टीटी है. तो हम अपने हम अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, वो मास्टर है उसमें. तो वो उस तरह का फीलिंग था सबके साथ. हर एक का क्राफ्ट अलग है. कि कुशारदा का बहुत अमेजिंग है, रणवीर शौरी या डिम्पल जी है ना सबका. राधिका मतलब डेडिकेटेड एक्ट्रेस, अभी देखिएगा 2 साल में कहाँ पर होंगे, मतलब किसी और ही लीग में पहुँचेंगे. और हाँ हाँ सीरियसली नहीं नहीं बहुत डेडिकेटेड और इन्वॉल्व्ड और अपनी अपने विजुअल्स अपनी लैंग्वेज ढूंढने वाली एक्ट्रेस बहुत कम मिलते हैं. तो वो सब है. तो पूरी टीम में बहुत पॉजिटिविटी थी. अनिल सर, अनिल मेहता, नकुल कामटे, बहुत ऐसे रोज़ के जो संभाला हुआ है जिन्होंने एटमॉस्फेयर माहौल लुक जो फिल्म का है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था और बड़ी अच्छी फिल्म बनी है हमारे हिसाब से. आई ऑडिशन फॉर इट. मुझे पता लगा कि यू नो दे लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल एंड आई बेग्ड माई टीम टू गेट मी एन ऑडिशन. एंड मैंने तभी पटाखा ख़त्म की थी, तो आई वॉज 12 kgs हैवियर. And but I really wanted to audition. I knew that I could play this girl. And मैंने किया. And I think ये होमी और दीनू का बिलीव था मेरे अंदर, that they could see me as Tarika. And all thanks to them that I got the opportunity to be a part of this film. बहुत कम होता है कि आपका producer, आपका director आपके अंदर वो देख रहे हैं जो आप खुद देख रहे हैं उस time पर, जब फिजिकली शायद वो रोल नहीं दिख रहा. सो बहुत बड़ी बात थी. ओके दीपक सर, आपके अगर बात की जाए तो यू नो यू हैव अ वेरी मतलब एक यूनिक स्टाइल है आपकी एक्टिंग का, यू नो. तो जब फिल्म साइन करते हैं तो क्या चीज दिमाग में रख के साइन करते हैं? ओके, अगला रोल अलग होना चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, जिसमें मैं मुझे कैरेक्टर कुछ सिखाए हैं और उसके लिए कुछ मेहनत करूं अलग किस्म की. मतलब सबसे मज़ेदार फील मुझे एक्टिंग में ये लगता है कि आप किसी भी प्रोसेस से उस कैरेक्टर को तैयार कर सकते हो. बस यकीन होना चाहिए, है ना. बहुत सारे प्रोसेस हैं अपने, और वो प्रोसेस अपने ढूंढने तो और मज़ा आएगा, अपनी लैंग्वेज से, अपने विजुअल से. उधार के बहुत हैं, तो मैं ये करता हूँ कि बोरोड जो इमेजेस और विजुअल्स हैं उन्हें जितना हटा सकूँ वो हटाता हूँ, कि ये नए सिरे से और अलग है, कुछ चैलेंजिंग है, कुछ इसमें जीने में मज़ा आएगा, एक इस थॉट प्रोसेस से सोचने में मज़ा आएगा. तो मैं उस थॉट प्रोसेस में और उस फिजिकलिटी में रहता हूँ कि यार इस एंगल से अब ये कॉस्ट्यूम भी है और सब चीज़ है, अब इसी लिमिटेशन से मुझे दुनिया एंजॉय करनी है या रिएक्ट करना है या ये पार्टिसिपेशन में उतरना है. तो वो सब चीज़ें वो ढूंढता हूँ मैं, और अपने तरीके पर. कई बार मैं कोई
वो तरीका फिट भी नहीं बैठता, मैं वो भी अप्लाई आज ये कर दूंगा, हाँ ये करता हूँ जिस तरह से कैरेक्टर करता हूँ, तो कई बार ये आता है कि कन्विक्शन है आज, यकीन आ गया अब कर दो इस तरह से, वो भी असर कर जाता है ना। तो मतलब जैसे ये तनुवेट्स मनु में जो वो पप्पी जी का रोल था, तो उसमें मैंने कहा इसमें मैं आवाज़ वो रखूँगा, ये बंदा ना सुबह से लेकर रात तक बातें करता है, तो इसकी आवाज़ में जो हस्की पना है वो ये कि पास भी बैठा तो ऐसे बात करता है जैसे आधा किलोमीटर दूर, अरे तो समझ नहीं रहा, तो वो ऐसे लेके आता है, ऐसे मिलाता है, तो उसका पिच ही ये है, उसका पिच वो नहीं है कि दूर बोल रहा है वहाँ से, अरे नहीं यहाँ बैठे हुए को भी वो आधा किलोमीटर दूर मानता है, एक्साइटमेंट इतना है। तो कुछ कुछ आप कैरी करने लगते हो कि हाँ ये करता हूँ वो करता हूँ, और नए नए तरीके खोजने को मिलते हैं, और ये भी कि यार इस काम को देख के आगे अगर अच्छा लगा तो लोग और काम देंगे, ये सबसे बड़ी बात है ना, और काम आएगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम, यू नो एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है, ऑल्दो ये फिल्म अलग है, यू नो अंग्रेजी मीडियम अलग है, लेकिन डू यू थिंक कि लोग फिर भी इस फिल्म को कंपैरिजन करेंगे हिंदी मीडियम के साथ? मतलब हाँ, एक फ्रेंचाइज होती है तो आप यू टेंड टू कंपेयर, गलत नहीं है इसमें कुछ तो कर ले, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि लेकिन ये अलग, एक अलग ही स्टोरी है, सो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि अरे ये तो वही कैरेक्टर है जो दिल्ली के चांदनी चौक से, वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आप खुद ही इनके कैरेक्टर्स के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको मन, आप नहीं कर पाएंगे, रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कंपेयर करने से। इशू हम डिफरेंट एड्रेस कर रहे हैं, जो कोर है फिल्म का वो थोड़ा अलग है, हम इशू एड्रेस कर रहे हैं, जो जो हमारा फैसिनेशन है विद स्टार्टिंग अब्रॉड, जो हर एक बच्चा देखते कह रहे मतलब बाहर पढ़ लिया तो मतलब क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, सो उस चीज़ को हम एड्रेस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने शायद एक इशू को एड्रेस किया था हिंदी मीडियम के अंदर, सो कोर वही है बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसमें कल्चर और थोड़ा पैट्रियटिज्म या रियलाइजेशन, ये कुछ और वर्ड्स भी हैं जो आपको कुछ एलिमेंट्स धीरे धीरे खोलेंगे, और वो अलग है, तो दोनों का कनेक्ट जो है सोसाइटी का इमोशनल कनेक्ट अपने परिवार के साथ एंड रियलाइजेशन, एंड वहीं पे आप जो देखते देखते ही आप रियलाइज करते हो कि क्या है रिश्तों को, जो सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ है हमारे देश की वो रिश्ते हैं, लेकिन जब कटुता आ जाती है तो वही वीकनेस बन जाती है आपके, तो वही चीज़ जो ये रिश्तों पर आधारित फिल्म है ना, उसके ज़रिए समाज की जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ इशारा है, कुछ एम्फेसिस है उनकी तरफ इशारा है कि इन्हीं रिश्तों में अब आप इन चीज़ों को लेके कैसे आगे बढ़ोगे, है ना, जिनसे आप रूबरू भी नहीं हो, तो बहुत अलग अलग किस्म के वैरायटी देखने को मिलेगी आपको, और प्लस जो जितने भी किरदार हैं फिल्म में सबका अंदाजे बयां कुछ अलग है, हर एक का एक्सप्रेशन कुछ अलग है, कुछ ना कुछ जो फिल्म में तड़के आते हैं वो देखिएगा, वो भी बहुत बढ़िया है। ओके सो राधिका, वर यू स्टारस्ट्रक एवर, लाइक डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द मोमेंट व्हेन यू वर ऑन फर्स्ट डे ऑन एयर, और यू नो करीना कपूर के साथ में कैसा था, व्हाई वर यू समवेयर ऑन द अदर? मैं आपको मतलब एज अ पर्सन मैं जैसी हूँ, मुझे जब उस मोमेंट में चीज़ें हो रही होती है तब हिट नहीं करती हैं, काफ़ी टाइम बाद हिट करती है, जैसे पटाखा में भी बहुत टाइम बाद हिट किया था जब मूवी ख़त्म हो गई थी कि अरे मैंने विशाल भारद्वाज के साथ काम कर लिया, तो इसमें भी यही है कि मुझे तब नहीं हिट किया, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हो, और बाहर मतलब एक्सटर्नल चीज़ें या कितने बड़े स्टार्स के साथ में काम कर रहे हो उस पर नहीं ध्यान देते, आप बस अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हो और सीन पे ध्यान देते हो। ट्रेलर देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ एंड आई वाज टीयरी आईड कि मैं अपना सपना जी रही हूँ यार, इसी के लिए तो काम कर रही हूँ, इन्हीं लोगों के लिए तो काम, मतलब इन्हीं लोगों के साथ काम करने का सपना था ना, लिस्ट में यही तो थे और अब कर लिया है, तो उस चीज़ में मैं बहुत इमोशनल हुई, जब हमारा गाना आया एक ज़िंदगी तब मैं बहुत इमोशनल हुई, बहुत रोना आया देख के, एंड मेरे पेरेंट्स को भी बहुत रोना आया, सो बहुत स्पेशल मोमेंट था ऑफ कोर्स। विद करीना आई हैव बीन अ फैन ऑफ हर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत हमलिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप देखते हैं कि इतने बड़े स्टार्स इतने स्वीट होते हैं, इतने वार्म होते हैं आपके साथ, आपको रियलाइज़ नहीं करवाते कि वो कितने बड़े लोग हैं, वीर दीपक सर और इरफान सर और करीना और डिम्पल मैम, एनीबडी। सो आई थिंक ये चीज़ मैंने एक सीखी है कि देर इज़ अ रीज़न वो स्टार बनते हैं, और रीज़न ये होता है कि वो असल लाइफ में कितने ग्राउंडेड हैं।
दीपक सर, आप सीरियस फिल्म्स और दबंगू जैसे कमर्शियल फिल्म्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? बात यह है कि हर बार कोशिश तो ये रहती है कि जो आपने सीरियस काम किया है जिसमें आप अपना क्राफ्ट दिखा सकते हैं, उसकी बारीकी दिखा सकते हैं, जब वो नहीं चलते कई बार क्योंकि उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस है तो बड़ा दुख होता है। फिर यार ये नहीं देखा, लोगों को आना चाहिए था, ये सब वो सब। पर जब फिर कमर्शियल टाइप का आता है कि तो पहले से ही पता है आपको कि श्योर हिट है ना ये मामला, उसमें आप रोल देखते हो, चलो हिट है लेकिन मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस करूँगा, ये बेस्ट स्पेस है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का कमर्शियल वाला, तो मैं उसे वैसे भी देखता हूँ है ना, क्योंकि वहाँ पे सलमान भाई की वजह से फिल्म वो करोड़ों लोगों तक पहुँच जाएगी, तो ये भी एक स्पेस मिला, ओके बेस्ट यहाँ पे करता हूँ, तो वहाँ भी वो दोनों एरिया मेरे लिए बेस्ट है परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी रीच ज़्यादा है और वहाँ आप करते हो तो अपने आप हो जाता है, प्लस उसमें पैसा भी ज़्यादा है, कमर्शियल में पैसा भी ज़्यादा है ना, तो वो आपका एक साल आराम से निकल जाता है जो भी है, तो ये भी एक चीज़ है कि सारी फिल्में आर्टी फिल्में कर करके महंगा शहर है यार, तो नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा, लेकिन आपका एक क्या बैलेंस ये है कि बैलेंस ये है कि मैं दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी करूँगा, दैट्स इट, ये बैलेंस है मेरा है ना, कि अगर वो देखें कि पिक्चर कैसे कल कई बोलने वाले जो ज़्यादा ही क्रिटिकल होके हो जाते हैं कि कमर्शियल मत किया करो ऐसे, मतलब क्यों नहीं किया करो यार तुम, फिर वो स्कॉलरशिप दिला दो कुछ वो पैसों वाली, ये वाला ये थोड़ी है ना, या तो कोई रॉयल्टी मिल रहा होता है या वो भी नहीं है, या नहीं है रॉयल्टी सिस्टम तो आपको करना पड़ेगा, तो मैंने वो रखा है कि यार एंटरटेनमेंट चाहिए दोनों में, तो दोनों में आपको जान लगानी पड़ेगी, तो मैंने वो कर लिया, मेरा वो नहीं है कि ये अच्छा सिनेमा और वो अच्छा सिनेमा नहीं है, वो हर सिनेमा अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मैं हर सिनेमा में अच्छा करना चाहता हूँ, ये भी है, मैं फ्लेक्सिबिलिटी का ही पार्ट वही वाला जो मैंने कहा। फिल्म में आप लंदन जाने के लिए अपने डैड से जिद करती है, रियल लाइफ में किसी जिद को एकदम पकड़ के बैठी है अपने पेरेंट्स? जी डेफिनेटली, मुझे ब्रॉडवे जाना था डांसिंग सीखने, तो डैड को मैं बोलती रहती थी कि ठीक है, वो कहते थे कि तू अच्छे से कॉलेज में चले जा, मैंने ठीक है मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी, उसके बाद आप मेरे को ड्रॉप आउट करा के मेरे को भेजोगे वहाँ पर कि मैं आपके नाम के लिए कर लूँगी कि आप शो ऑफ कर लो अपने फ्रेंड्स में, फिर मैं जा रही हूँ ब्रॉडवे, तो ऐसी डील्स मैं करती रहती थी अपने डैड के साथ, एंड यू नो रियल लाइफ मेरे डैड ही हैं जिन्होंने जो मुझे बॉम्बे लेके आए, मैंने उनको बस बोला था मेरे को ऑडिशन का कॉल आया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला तेरा मन है, वो मम्मी से लड़के सबसे लड़के मुझे लेके आए बाहर, जब मैं अंदर ऑडिशन देती थी तो वो बाहर वेट करते थे मेरे लिए, खाना वाना लाते थे, ही सपोर्टेड माई ड्रीम, माय एवरी ड्रीम, चाहे वो एक डांसर बनने का हो, चाहे वो एक स्टार बनने का हो, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर कोई हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, हम दिल्ली से हैं, और मैं आके बोलती हूँ कि अरे मुझे तो यहाँ का स्टार बनना है, ही बिलीव्ड इन माई स्टूपिड ड्रीम्स नो मैटर हाउ क्रेजी इट वॉज साउंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ स्टूपिड इट वॉज साउंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो वो चीज़ ऑफकोर्स वो फादर डॉटर का जो एक कनेक्ट है या रिलेशनशिप है वो उससे मैं रिलेट करती हूँ रियल लाइफ में। ओके सर, रिसेंटली यू नो इरफान सर ने जब एक वीडियो शेयर किया जहाँ पर उन्होंने बोला कि यू नो ही वोंट बी अवेलेबल फॉर प्रमोशन, विच वॉज वेरी सैड फॉर अस बिकॉज वी वर सीरियसली वेटिंग फॉर हिम टू सी, लेकिन यू नो अब क्या कैसी हेल्थ है उनकी, आर यू इन टॉक्स विद हिम, कुछ बताना चाहेंगे हमें, और वो सेट पर कैसे थे आप लोगों के? बहुत बढ़िया, बहुत ही इंथु के साथ थे और बहुत ही, आप सीन देखिए फिल्म में तो बहुत ही अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ उन्होंने एक्ट किया है, बहुत प्यारा एक्ट किया है, और अगर आप पास से गुजरते हुए कोई इंसान है या बात करते हुए इंसान है आप बोल ही नहीं सकते कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं या क्या चीज़ उनको तंग कर रही थी, बट और उनका साहस, उनका करेज और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, और अभी वो शांति से थोड़ा अलग उसमें रहना चाहते हैं, तो वो जब उनका मन करेगा वो आ जाएंगे प्रमोशन के लिए, उसकी भी चिंता मत कीजिए, वो है एक मामला। पर मिस करेंगे उनको ये प्रमोशंस के दौरान उनको? ऑफ कोर्स, मतलब हाँ पिछली बार हमने बहुत हिंदी मीडियम बहुत किया था, मतलब जो भी है, हालांकि बैंड ही बज जाती थी, थक जाते थे दोनों की ओर, हाँ क्योंकि एक साथ ही इतना सारा हो गया था, तो मतलब कि
हाँ जैसे पर्सनली जब हम प्रमोशन करते हैं तो उसमें ये लगता है कि यार इतना तो हमने फिल्म करते समय नहीं सोचा था जितना आप लोग सवाल पूछ लेते हो इनकी तो. अच्छा अरे बाप रे इतना सोच लेते तो कैरेक्टर ओ अगली बार ध्यान रखूँगा. ये भी होता है तो कई बार मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्रमोशन के लिए मैं खुद वो नहीं करता. मेरे अंदर से कन्विक्शन नहीं आता उस चीज़ के लिए कि यार जितना किया ही नहीं उससे ज़्यादा क्या बोलना. काश ये सब अपने आप हो जाता है ना कुछ ऐसे मीडिया वाले एकदम करके पहुँचा दिया ये कुछ भी. बट है एक पार्ट है ज़रूरत है ये भी एक पार्ट है जो मुझे अब महसूस हो रहा है इस बहुत ज़्यादा कि नहीं यार ये ज़रूरत है और आपको उसी अंतु से करना पड़ेगा. तो एक जिम्मेदारी को आपको लेना पड़ेगा अपने कंधों पे मानना पड़ेगा कि एक जिम्मेदारी का पार्ट है प्रमोट करना अपनी फिल्म को प्रोडक्ट को और ज़रूरत है. तो अब वो आ रहा है धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ ये भी चीज़ ये नहीं आती थी. जिक्र ही देख लीजिए कि इरफान भाई का जिक्र हर जगह है डोंट वरी. एंड यू नो फिल्मों के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो यू नो पेरेंट्स कैसे स्कैड रहते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पर इस चीज़ के बारे में बताया. रियल लाइफ में आपके मॉम डैड ने अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कौन से सिचुएशंस को फेस किया है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए. आई थिंक ये विद मी इट वॉज की कि एक 17-18 साल की लड़की बोल रही है कि मैं दूसरे शहर में जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मन है. मुझे एक ना किसी एक्टिंग बैकग्राउंड के साथ ना किसी उसके साथ कि मेरे को स्टार बनना है. तो उस इतना अगर आप लेमैन को सुनाएंगे तो बोलेंगे कि आई यू क्रेजी आई यू स्टूपिड. आप पढ़ाई में अच्छे हैं पढ़ाई कीजिए आपने 4-5 साल डांस में ट्रेनिंग किया आप जाके डांस में ट्रेनिंग कीजिए. बट आपके पेरेंट्स कैसे आपके साउंड मतलब ड्रीम्स दैट साउंड स्टूपिड उसमें भी कन्विक्शन के साथ बोलते कि चलते खुशी मिल रही है ना हम कर रहे हैं. बॉम्बे में रहना आसान नहीं है अकेले रहना आसान नहीं है बट कैसे वो कंफर्टेबल करते हैं आपके एनवायरनमेंट को. अगर जैसे मुझे नहीं डील करना आ रहा था कि अगर मैं 56 घंटे नॉनस्टॉप शूट कर रही हूँ 48 आवर्स नॉनस्टॉप शूट कर रही हूँ तो वो मेरे घर पे क्या एनवायरनमेंट बना रहे हैं. क्या वो मुझे ये सीख दे रहे हैं कि चल मैं तेरे को यहाँ से निकाल देता हूँ या वो बोल रहे हैं कि फेस कर सिचुएशन. क्योंकि हर बार ये नहीं होगा कि डिफ़िकल्टी आ गई तो फिर पापा कि वो कभी छोड़ना भी होता है कि वो बोलते हैं ना तैरने के लिए पानी में छोड़ दिया ये तैरना सीख जाएगा. वो उसका बैलेंस रखना कि मैं बोल पाऊँ कि हाँ फिर भी सुपरविजन के साथ बैलेंस रखना ये बहुत बड़ा टास्क होता है. एंड यू नो बच्चों के उसमें एक पंचिंग बैग बने रहना अपने जो मूड स्विंग्स होते हैं सबसे पहले माँ बाप पे निकल जाते हैं कि आप चुप रहो आप मत करो ये वो. फिर भी पेशेंटली सोचना कि चलिए इसका ना आज दिन ऐसे गया होगा. बहुत छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस होते हैं जो माँ बाप आपके लिए हर रोज करते हैं दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. और माँ बाप के माइंड में आपकी इमेज वही रहती है जिस दिन आप पैदा हुए चाहे आपके आपकी शादी हो गई आपके बच्चे भी हो गए हैं लेकिन उनके मन में जिस दिन आप पहले दिन पैदा हुए थे या वो वाली जो है ना बचपन की फोटो बहुत ज्यादा होती है ना जिसमें आप उसमें रहते हो छोटे छोटे उस इमेज से आगे नहीं बढ़ते हो. उनको दुख होता है बड़ा हो गया थोड़ा सा ये पर है तो वही हल्का सा. अच्छा वो उसने बोले वो ये है वही वो तो वो हर एक का वो रहता है तो वो भी है. एंड जैसे मेरी बेटी है तो उसके साथ अलग ही कनेक्ट है. मतलब वो मतलब कई बार जब कहीं पार्टी में जा रहा हूँ रात को और वो पकड़ लेते नो अच्छा ओके सॉरी डार्लिंग पार्टी कैंसिल सब नहीं तो इतना वो है जो मेरे अंदर नहीं था कहीं. उन्होंने बोलते थे वाइफ को यार करना मेरे को नहीं उसका एक है ओके ये है ये कनेक्ट कुछ और ही है. मतलब बेटी कबाब बनने के बाद आप अंदर से वाकई में सही इंसान बनने लगते हो. बेटे कबाब फर्क बता रहा हूँ मेरे बेटा भी है तो उसका ये लगता है अरे आप लड़के ही रहते हो. अगर आपके लड़के ना तो आप लड़के जैसे ही फील करते हो. मतलब 60 साल के भी हो जाओ तो आ यार खेल ले कंचे खेल लेते हैं वो कर ले बातों में भी आपके वो है. लड़की का बाप बनते नहीं यार नहीं उसकी आंखें और उसका कनेक्शन नहीं बता देता है कि ये वो ही सोच रही है. अच्छा वो ले जाती है आपको क्या हाँ इसमें तो लैंग्वेज है इसमें तो फिलोसफी है तो ये है कसम से. तो मेरे को तो आधा से आधा मेरे को इतना शांत कर दिया यहाँ पे मुंबई के सारे क्राइसिस हटा देते हैं बुला देते हैं खिड़की पे बैठते हैं बस आप क्या चल रहा है ये है वो. तो वो है उसके साथ अलग ही फिलॉसफी का कुछ पुराने जन्मों का कुछ कनेक्ट लगता है ये है.
So ending up with a good note, बता दे कब देखने मिलने वाली है अंग्रेजी मीडियम. 13 मार्च को आ रही है हमारी मूवी अंग्रेजी मीडियम. हम सब ने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत होलसम फिल्म है. इसमें आपको जैसे इरफान सर ने बोला था, ये मूवी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और शायद फिर हंसाएगी. सो हर चीज़ का फ्लेवर है, हमने बहुत प्यार से बनाई है. तो प्लीज़ 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 देखने जाइएगा. अपने परिवार को लाइए, दोस्तों को बुलाइए. कूल कॉलेज सब जगह है और बहुत अलग किस्म की हैं. और इरफान भाई 1.5 साल बाद आ रहे हैं सिनेमा में, तो वेलकम कीजिए. ये हक है उनका और आपको ये करना पड़ेगा. प्लीज़ आइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.